जरा सोचो, आप एक दिन स्कूल जाने के लिए मिरर में देखते हुए तैयार हो रहे हो और अचानक आपकी मिरर रिफ्लेक्शन आपसे बात करने लगे और आपको एक लूजर से हीरो बना दे। कुछ ऐसा ही होता है मारिया के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। ये काफी ज्यादा डरावना था। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया बरिनान नाम की एक 17 साल की हाई स्कूल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था और इस वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डेन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे और उनको सभी चीजें परफेक्ट पसंद थी। इस वजह से वो मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम था एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थी और अक्सर उसको बुरे बुरे सपने आते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड से ऐसे ट्रीट करती थी जैसे उसे कुछ पता न हो। वेल, स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता रहता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड सीन पर मारिया को क्रश था और इसीलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। इस वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफ इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये एग्जैक्ट वही इमेज थी जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद से ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और अक्सर मारिया अपनी मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीजें करते देखती थी, जिससे शुरू में तो मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपनी मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम आयरम बताती है। आयरम मारिया के मुकाबले काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसे बनना चाहती थी, आयरम के अंदर वही सारी खूबियां थी। वो दोनों आपस में बहुत बातें करने लगते हैं। मारिया को फील होता है कि फाइनली कोई तो उसे मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मारिया को प्रॉम नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट पर जाएगी। प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, बट उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी। जब लिली उसको आइस स्केटिंग सिखा रही होती है, तभी मारिया आइस स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प नहीं करती और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सीन से दूर रहो। वहीं दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता था और ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती थी। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां मार्क उसे इनडायरेक्टली वे में तंग करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसको ये कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसे कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे बस में ट्रैवल ना करना पड़े। क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे थे, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज आयरम उसके डैड से काफी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते थे और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते थे। खैर, अब मारिया प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज आयरम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि आयरम उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब आयरम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फीमेल शावर रूम में ले जाकर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी भी तंग नहीं करता। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसका नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी, अब बाकी दुनिया के लिए तो वो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आयरम ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी तरफ मारिया भी बहुत खुश थी कि अब सभी चीजें सही हो रही हैं, लेकिन यहाँ से सब नॉर्मल नहीं रहने वाला था। आयरम अपने डैड के क्लिनिक पे जाकर वहाँ अपनी मॉम एमी और अपने डैड डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर बुलाती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाए कि उसके हस्बैंड डैन का अफेयर किसके साथ चल रहा है। घर आकर आयरम अपनी मॉम से बदतमीजी करती है और कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर एमी आयरम को जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी आयरम खुश थी कि उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई पता चल गई। इसके बाद आयरम आइस स्केटिंग की कुछ दिनों तक काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके आइस स्केटिंग सीख जाती है। थोड़े दिन बाद आयरम लिली को उसे दोबारा आइस स्केटिंग सिखाने के लिए कहती है, जिस पर लिली उसे सिखाने के लिए मान जाती है। अब जब वो आइस स्केटिंग करने जाते हैं,
तो लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर शॉक्ड हो जाती है। स्केटिंग करते करते आयरम लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से लिली ऑन द स्पॉट ही मर जाती है। यहाँ पर आयरम रोनी की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल लगाते हुए उनसे कहती है कि लिली आइस स्केटिंग करते समय फिसल कर नीचे गिर गई है, उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है और मुझे लगता है कि शायद वो मर गई है। वहीं हम फोन की रिफ्लेक्शन में मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था, वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सीन भी था और आयरम उसे गौर से देख रही थी। वहीं पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहां पर उसका शक सीधा आयरम पर जाता है, क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ से फिसलकर मरना नामुमकिन था। यहां से आयरम सीधा सीन के घर जाती है, जहां वो सीन से कहती है कि वो उसको बहुत लाइक करती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इससे मारिया का इविल रूप यानी आयरम मारिया की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। वेल, इंटीमेट होने के बाद आयरम और सीन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते थे। वो दोनों कई बार स्कूल भी बंक करते और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते, लेकिन पुलिस उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। एक दिन मारिया के डैड और मॉम की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन घर छोड़कर चला जाता है। वहीं एक दिन आयरम और सीन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी सीन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे सीन आयरम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन आयरम सीन से ये कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। इतना सुनते ही सीन को आयरम पर शक होता है। तभी आयरम सीन के सर पर बॉटल मार देती है, जिससे सीन की मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब आयरम ड्रिंक करके मारिया के डैड डैन के क्लिनिक में जाती है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और अपने डैड से कहती है कि क्या आप मुझे तब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में मूवी के स्टार्ट में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी, वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसको हम आयरम कह सकते हैं। अब जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन आयरम में एबनॉर्मलिटी और फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डैन को शुरुआत से ही चीजें परफेक्ट पसंद थी, तो इसी वजह से उसने आयरम को जिंदा ही घर के आगे दफना दिया और ये सब विदाउट एमी की परमिशन के हुआ था, जिस वजह से आयरम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी। और जब मारिया बड़ी हुई तो आयरम ने उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैन उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हें तब भी इतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट ना भी होती। डैन का झूठ सुनकर आयरम डैन का गला काट देती है, जिससे डैन उसी समय मर जाता है। अब आयरम बाहर जाते हुए बार बार मारिया का नाम ले रही थी ताकि वो उससे बात करे, लेकिन मारिया अब उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती थी, जिससे हमें पता चलता है कि आयरम कोई और नहीं बल्कि मारिया की कमियों की ही रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज देखी थी तो उस टाइम उसने ये सब सोचा था और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया था। यहाँ पर असल में मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफी परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी और अब आयरम की सारी पर्सनैलिटीज मारिया की पर्सनैलिटी से जुड़ चुकी थी। इसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है और हम कुछ मिरर्ड बस शॉट में देखते हैं कि वहाँ पर एमी के साथ दो लड़कियाँ लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने अब ट्विंस की पर्सनालिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।